खबर कन्नौज से है, जहां घुघरापुर क्षेत्र में लगभग 250 बीघा गलत दवा पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। ज्यादातर धीरपुर, भवानीपुर, मोहनपुर, सदरपुर आदि गांव में आलू की फसलें बर्बाद हुई है। किसानों ने बताया कि हमने अपने नजदीकी बीज भंडार गौर नोरंगपुर व सद्दूपुर की दुकानों से मान सेरीन दवा खरीदी थी, जिसका बिल मांगने पर दुकानदारों ने साफ तौर पर मना कर दिया था। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर हमारी खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या भैया नाम है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, आपके कितने बीघे फसल हो रहा? 11 बीघा। कहाँ से आपने दवा खरीदी थी? ये ठेका के पास अमित मिश्रा। अच्छा, तो बिल दिया था उसने आपको? बिल नहीं दिया था। क्या बोला था बिल के लिए? बिल उनके पास नहीं है। फिर आपने उसकी कहीं शिकायत की? शिकायत की लोगों से कई, तो उनने जाके हमारे पास लेसन थे, ये फलाना ढिमाके जो करना उसको करो जाकर, हमारे पास कोई मान लो हम दवाई इधर उधर से लाते हैं, हम अपने घर ही नहीं बनाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाप हैं परेशान, बीमार रहते हैं और वे कमज़ोर हैं। हमने माल आल जेबर रख के और एक भैंस बेची थी, उसमें हमको जो सहायता मिलना चाहिए भाई, और हम क्या करें? अच्छा, हम गरीब आदमी हैं, माल जेबर रखा भी, बीमार भी रहते हैं हमारे पिता, और हम क्या कर सकते हैं बताओ? कितने रुपए की लागत लगी होगी आपकी? लागत लगी लगभग मैं 95,000 की। जी, लगभग क्षेत्र में कितनी फसल बर्बाद हुई होगी टोटल? यहाँ तो लगभग मैं क्षेत्र की बात है, क्षेत्र में तो लगभग मैं बात है करीब हमारे गांव की बात, गांव में और पूरे क्षेत्र में लगभग। अच्छा, क्षेत्र में लगभग 350 बीघा की। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा? समाधान। आपकी कितने बीघे आलू की फसल बर्बाद हुई है? भाई लगभग 20 बीघा करीबन। जी, तो आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत कहीं नहीं की, किस दुकान से गए थे? किस दुकान पे दवा खरीदी थी? प्रबल खरीदी थी। ये कहाँ की दुकान है? नवरंगपुर चौराहे पे है और रहने वाले नवरंगपुर के हैं। तो क्या प्रबल ने कहा आपसे? प्रबल ने यही कहा कि देखते हैं फिर करेंगे, सोचेंगे, लेकिन वो क्या कर पाएगा दुकानदार। तो क्या दवा आपको रखी हुई देगी दे दी एक्सपायरी डेट की? जो तो नहीं देखा था, और लेकिन जो है हम सोचते हैं कि सरकार सहायता कुछ करे हमारे संग। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और कभी कभी हमने कड़ुआ लेके आलू गाड़ा था जी। तो जो है हम वो मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे? आलू पैदा नहीं हो रहा है तो हम फांसी लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या अपने राजस्व संबंधित लेखपाल को सूचना दी थी इसके बारे में? हाँ, दी थी, कल बताया था उसको। तो चौहान बोले मैं इसमें क्या राहत कर सकता हूँ, आप सरकार से कहें तो हम देखते हैं भाई, करेंगे कुछ कोशिश। तो आप लोगों को बुलाया हमने, इसलिए हम सहायता मेरी आप भी करें कुछ और अपने सरकार से कराएं। दुकानदार के क्या खिलाफ अभी तक आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? अभी तो नहीं दिया, आपकी सहायता से देंगे कुछ भी जो बताएंगे उस तरीके से शिकायत करेंगे उसकी। क्या नाम है चाचा? बालस्टर सिंह। आपकी आलू की फसल कितने बीघे बर्बाद हुई है? 8 बीघे। क्या दिक्कत आई उसमें? आलू दवा लगाई मैं सुनूँ, और आज 21 तारीख आलू गड़ो वो आलू थोड़े घूम ले आई वो आलू जमाना है। किस दुकान से दवा आपने खरीदी थी? हमने खरीदी है अमित सनात विनोद मिश्रा। कौन सी जगह पे है दुकान? जहाँ है किराए पर, भवानीपुर किराए पर, किराए पर है ठेका तीर। दुकानदार से आपने कहा, क्या बोला उसने? हमने बोला आपको मैं बीजक दो, बीजक नहीं दो। अच्छा, जब आपने दवा खरीदी थी तब बीजक नहीं दिया था उसने? ना 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 ना, ना। क्या बोला था आपसे? कि बीजक बाद में बनाई थी, बीजक आया आप यू ना बीजक बना के दो। तो दुकानदार की आपने कहीं शिकायत की? कहाँ पे शिकायत की? अभी शिकायत। अच्छा अच्छा, किसी आपने राजस्व विभाग के कर्मचारी को फोन करके बुलाया, उसको अवगत कराया, जैसे लेखपाल को सूचित किया था? अभी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। और आप क्या चाहते हैं? अब क्या हमको दगानो पूरे को हर्जा मिल पाई चाहिए मैं नहीं तो मैं मेरा आलू वो खाद को है या जुताई गई। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमने कर्जा करके आलू गाड़ो है तो दोबारा कहीं काम करेंगे, हमें पूरा हर्जा मिल पाई चाहिए। अगर आपको हर्जा नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अपना जो कुछ कर पाए तो करें, आप पानी लगावे कुछ करें, और लड़का बच्चा जेबर धर के हमने दगानो आलू गाड़ो है, अब हम ना लगाए तो लड़का बच्चा फिर पानी लगाए मरी जाए दिमे रह देगा याद हम क्यों हम लोग को करें, अपने करें कि घर में करें? क्या घर में कोई प्रोग्राम होने को था आपके, शादी वगैरह?
शादी विवाह के तक शादी है, शादी है लड़का। चलिए ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।